Am I audible, everyone? Hi, Faraz. Hi, Adil. How are you? I'm fine. Yes, I observe everyone. Hi, Megali. Okay. चलो फटाफट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिवाइज कर लो. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. एवरीवन, ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम 12th पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड फ्रॉम फर्दर स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब अगर आप आगे भी पढ़ाई करेंगे, जो कि डेफिनेटली करेंगे, तो उसमें ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट आगे रोल होने वाला है. क्योंकि हम धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे हायर क्लास में जाते हैं तो चीजों का एप्लीकेशन पढ़ना शुरू कर देते हैं. हम लोग जो हम चीजें पढ़ते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड हो जाती है काफी हद तक. कि मतलब क्योंकि अब उसके बाद जाके अपने को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ही करना है ना. मतलब अब जॉब करना रहता है अपने को, तो क्या कोई एप्लीकेशन हम लोग सीखते हैं तो वो हायर क्लास में धीरे धीरे सीखते जाते हैं. ऑलराइट एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन टॉपिक है आज का. चलो आ जाओ फटाफट सब लोग. ये तो किसमें नहीं आता, बी आर्किटेक्चर. अच्छा हाँ, आर्किटेक्चर में मे भी नहीं आता होगा, पता नहीं. पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, स्टार्ट करें. हाय प्रेम, हाय विदास, और कौन है, हाय मेरिन. चलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं. एरिया अंडर कर्व. अब देखो कैसे इसको याद रखना. देखो आपको फॉर्मूला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसका फॉर्मूला समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चन एकदम आसान है इसमें. ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है. एक मिनट, मैं दूसरे पेज पे हूँ, ये वाला पेज पर जाओ. ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे दिख रहा है आपको वाई एक्सिस दिख रहा है, और ये आपका एक्स एक्सिस है. ये देखो यहाँ पे, देखो ये कर्व है, दिखा सबको, इतनी चीजें दिखी सबको, इतनी चीजें दिखी सबको. ये कर्व का नाम क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि ये उसका इक्वेशन है. सुनो सब लोग, यहां तक सुनाई दिया सबको. ये कर्व है, उसका इक्वेशन क्या है, y equal to fx. अपने को क्या करना है मालूम है एवरीबॉडी, अपने को एरिया अंडर दिस कर्व पता करना है. इस कर्व के अंडर में जो एरिया ना, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया अपने को पता करना है. एरिया अंडर कर्व एंड व्हाट, एरिया अंडर कर्व एंड x एक्सिस. सुना सबने, एरिया अंडर कर्व एंड x एक्सिस. ओके, सो एरिया, एरिया अंडर कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस. ये मेरा एक्स एक्सिस, ये देखो इधर, इसके अंडर जो ये येलो कलर वाला एरिया ना, ये मेरे को पता करना है. एरिया अंडर कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस. कहां से स्टार्ट हुआ है, पी से स्टार्ट हुआ है और कहां तक गया, क्यू तक गया हुआ है, ठीक है. P से स्टार्ट हुआ है, P का कोऑर्डिनेट क्या है, P पे कोऑर्डिनेट क्या है एवरीबॉडी, x इक्वल टू a दिया हुआ है ना, तो यहां पे a कोऑर्डिनेट है, और यहां पे क्या कोऑर्डिनेट है, b कोऑर्डिनेट है. तो a टू b एरिया अंडर कर्व y इक्वल टू fx एंड x एक्सिस इज y dx, इज y dx. अच्छा y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है fx करके. तो a टू b fx dx, हालांकि आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना y dx. ये समझ में है, ये समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो. कोई कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहा यार, पता नहीं आप लोग आवाज आ रही कि नहीं. ओके, दूसरा वाला जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा. ये देखो अभी इस बार कर्व कुछ इस तरह से. ओके अक्षय, तो ये आपका कर्व है, ठीक है. क्या दिया हुआ इस बार कर्व का इक्वेशन, x इक्वल टू एफ वाई,
ये आपका वाई एक्सिस है, तो इस बार एरिया हम लोग कितने से कितने के बीच में फाइंड कर रहे हैं कौन बताएगा? इस बार हम लोग एरिया अंडर कर्व एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड वाई एक्सिस है, ये देखो एरिया अंडर दिस कर्व एंड वाई एक्सिस, इस बार वाई एक्सिस है, सुना सबने कहां से कहां के बीच में इस बार एरिया y एक्सिस के बीच में, तो कहां से लेके और y एक्सिस में कहां तक है, y इक्वल टू c है मतलब यहां पे c होगा और यहां पे y इक्वल टू क्या दिया है, लाइन का इक्वेशन d दिया है मतलब यहां पे d होगा, तो मतलब i इक्वल टू इंटीग्रल c से लेके d c टू d, दैट्स राइट फॉर अस। पिछली बार क्या था y dx था ना, मतलब x एक्सिस था, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब यहां पे x एक्सिस था तो फॉर्मूला y dx था, अब y एक्सिस है तो फॉर्मूला x dy हो जाएगा, x dy क्योंकि यहां पे इक्वेशन x इक्वल टू दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया इक्वेशन x इक्वल टू, सुना सबने तीन बार बोल रहा हूं, ये समझ में आया सबको? तो जब जब y एक्सिस का जिक्र रहेगा, जब जब y एक्सिस का जिक्र रहेगा तो आप क्या बोलोगे, x dy फॉर्मूला बोलोगे, और जब जब x एक्सिस का जिक्र रहेगा तो आप y dx बोलोगे, y एक्सिस पे x dy, x एक्सिस पे y dx। अगर ये बात समझ में आए तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दो, नहीं तो नो लिख दो, वाई नो ऋषिकेश या इवन माई क्वेश्चन इज सेम, क्या नहीं समझ में आओ बताओ ऋषिकेश, व्हाट इज योर डाउट? इधर अपने को x dy लिखने का रीजन ये है कि अपना क्वेश्चन y f ऑफ y है, तो यहां पे जब मैं x लिखूंगा तो वही f ऑफ y डालूंगा और फिर इंटीग्रेट f ऑफ y dy होगा, तो जब dy है तो यहां पे क्वेश्चन भी तो y में होना चाहिए, अभी मैंने चार पांच बार ही एक्सप्लेन कर दिया एक्चुअली, तो प्लीज टाइम पे ज्वाइन करो एवरीवन। यहां पे क्या दिया हुआ है, आपका ये कर्व है और x एक्सिस है, जब कर्व और x एक्सिस के बीच में रीजन फाइंड करना रहता है, जैसे ये वाला रीजन, कर्व और x एक्सिस के बीच में रीजन फाइंड करना है, तो एरिया बिटवीन कर्व एंड x एक्सिस, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, y dx रहेगा, और जब कर्व एंड y एक्सिस के बीच में रीजन फाइंड करना रहता है मतलब ये वाला रीजन, ये वाला एरिया, तब फॉर्मूला क्या रहेगा, x dy रहेगा, इसको याद रखो बस। ओके ऋषिकेश, समझा अभी आपको, जब y एक्सिस यहां पे दिखेगा आपको तो x dy फॉर्मूला लिखना है। चलो आगे बढ़ेंगे, लेट अस स्टार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व x एक्सिस एंड गिवन लाइंस, तो लाइंस क्या है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5, कर्व क्या है, y इक्वल टू 2x। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग, जैसे उधर x एक्सिस लिख के दिया तो तुम्हारे दिमाग तुरंत चल जाना चाहिए, x एक्सिस लिख के दिया मतलब फॉर्मूले में क्या आएगा, y dx आएगा, जैसे कि एच जे ने लिखा हुआ है, HJ आप रेगुलर नहीं आते हो यार, ये चीज का एक मेरे को आपसे नाराजगी है, समझ लो आप रेगुलर आओ ना, प्रॉब्लम क्या है रेगुलर आने की, कभी कभी आते हो सब फटाफट आंसर करके निकल लेते हो। स्टार्ट करते हैं, लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया, कंसीडर अपने को इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हाय देवेश, चलो एवरीबडी नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन, क्या टाइमिंग आपका होता है, क्या टाइमिंग पे आप फ्री रहते हो, y इक्वल टू 2x जो लाइन होती है कहां से पास होती है, y इक्वल टू 2x वाली लाइन आपको याद है, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था, y इक्वल टू 2x मतलब y इक्वल टू mx, यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि कहां से पास होती रहती है, ओरिजिन से पास होती रहती है, कहां से पास होती है, ओरिजिन से, ओके तो ये एक लाइन है जो कि कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होता रहेगा, y इक्वल टू mx ना, याद है क्या सबको, y इक्वल टू mx कहां से, ओके अजय, y इक्वल टू mx मतलब एक ऐसी लाइन जो कि कहां से पास होता रहता है, बोलो एवरीबॉडी, y इक्वल टू mx कहां से पास होता रहता है, ओरिजिन से पास होता रहता है, ये बात सबको पता है, y इक्वल टू mx यानी कि y इक्वल टू 2x यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि ओरिजिन से पास होता है, और क्या बोला है, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन होता है,
यही y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू जीरो होता है, और x इक्वल टू फाइव किसका इक्वेशन होता है, x इक्वल टू फाइव मतलब x एक्सिस पे फाइव, जैसे ये जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे कहीं पे फाइव आएगा। अब अपने को क्या करना है, एरिया अंडर दिस लाइन एंड x एक्सिस पता करना है, मतलब ये वाला एरिया पता करना है। समझ में आया सबको कौन सा एरिया पता करना है, समझ में आया सबको, जीरो से लेके फाइव। अगर ये चीज समझ में आई तो एक बार यस लिख दो, नहीं समझ में आए तो नो लिख दो। ये आपका लाइन है वाई इक्वल टू टू एक्स। देखो जिसको नहीं समझ में आया एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस करने से बेटर है कि आप चैट बॉक्स में पूछ लो, आपका डाउट मैं क्लियर कर पाऊंगा, राइट? ओके, सो वाई इक्वल टू टू एक्स इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। प्लीज बेटा आप लोग चैट बॉक्स में पूछो ना प्लीज, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूं, पर आप पूछो तो सही आपको डाउट क्या है, एक्सप्लेन मोर में मैं क्या एक्सप्लेन करूं, मैंने ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया अभी। तो y इक्वल टू टू एक्स एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है y, और यहाँ पे x इक्वल टू फाइव मतलब एनी लाइन पासिंग थ्रू फाइव, x इक्वल टू फाइव दिया इन लोगों ने, x इक्वल टू फाइव मतलब जैसे हम लोग ने पढ़ा था इलेवेंथ में पढ़ते हैं कि अगर कोई लाइन a से पास हो रही है ऐसे तो उसको x इक्वल टू a बोलेंगे, इधर से कोई लाइन पास हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर मान लो यहाँ पे माइनस a से पास हो रही है तो x इक्वल टू माइनस a बोलेंगे, अगर कोई लाइन ऐसे y एक्सिस को परपेंडिकुलर और b से पास हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, y इक्वल टू बी बोलेंगे, अगर कोई लाइन y एक्सिस को परपेंडिकुलर है लेकिन माइनस सी से पास हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, y इक्वल टू माइनस सी। ये चीज पता है सबको, तो अगर कोई लाइन अपने को x इक्वल टू फाइव दी हुई है तो मतलब वो x एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगा, x इक्वल टू फाइव मतलब क्या हो जाएगा, वो x एक्सिस को, ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है और ये तुम्हारा x एक्सिस है, तो लाइन क्या हो जाएगा, y x एक्सिस को परपेंडिकुलर है और कहां से पास होता रहेगा, फाइव से, मतलब वो x इक्वल टू फाइव हो जाएगा, और y इक्वल टू एम एक्स मतलब y इक्वल टू टू एक्स है ना, उसमें कोई प्लस कॉन्स्टेंट नहीं है, तो मतलब ये लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। तो अभी तुमको क्या बोला है, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू टू एक्स एंड x एक्सिस, तो मतलब ये लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना। चलो मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। कहां से कहां तक स्टार्ट हुआ है, कहां से कहां तक स्टार्ट हुआ, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन कहां से कहां के बीच में, जीरो से स्टार्ट हुआ है शेडेड रीजन, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हुआ है एक्स एक्सिस पे, जीरो से स्टार्ट हुआ है और फाइव पे खत्म हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू टू एक्स एंड x एक्सिस, बाउंडेड बाय y इक्वल टू टू एक्स एंड x एक्सिस इज वॉट, x एक्सिस का जैसे ही नाम आएगा मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूंगा y dx, और यहां पे 0 से 5 है तो 0 से 5 लिख लूंगा। अच्छा y की वैल्यू क्या है अपने पास, क्वेश्चन में कहीं y दिखा क्या, y की वैल्यू दी हुई है क्या कहीं पे, हाँ वेरी वेरी गुड एच, ये 2x दिया हुआ है, तो y के जगह पे आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, 0 से 1 यहाँ पे 2x dx लिखोगे, 2 जो है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx बचेगा 0 से लेके 5। अब ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 जीरो से लेके 5, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो अब आप अपर लिमिट डाल दो, तो अपर लिमिट 5 स्क्वायर, लोअर लिमिट क्या है 0 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 25 माइनस 0, 25 माइनस 0 क्या होता है सिर्फ और सिर्फ 25 स्क्वायर यूनिट, ओके 25 स्क्वायर यूनिट, इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, इजी लगा, एकदम इजी है, मैं आपको जैसे समझा रहा हूं ना आप लोग बस पेशेंस रख के सुनते चलो उसको, बहुत इजी है, और इसी में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है ये भी याद रखो, कुछ अलग नहीं हो जाएगा एग्जाम में, स्क्वायर यूनिट लिख देंगे ना, कुछ यूनिट लिखेंगे मतलब स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, क्योंकि अपने को पता नहीं ना सेंटीमीटर है कि मीटर है कि क्या है, ये कौन सा है सर मतलब क्या बोल रहे हो, ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो वो उधर इरेजर से वो मिट गया था, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट है ये, ओके देवेश चले आगे बढ़े एवरीवन, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, Come on everyone, let us try in the next question. Okay, क्या बोल रहा है बंदा,
आई एम सॉरी, क्या बोल रही है? बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस, फिर से बोला एक्स एक्सिस, और सॉरी इक्वेशन क्या दिया है, वाई इक्वल टू साइन एक्स जीरो से लेके पाई बाई टू तक, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सबको समझाया था, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ कैसा रहेगा, जीरो, यहाँ पे जीरो रहता है, यहाँ पे वन रहेगा, यहाँ पे माइनस वन रहता है, क्योंकि हमेशा वन से लेके माइनस वन तक जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे जीरो, साइन जीरो पे क्या होता है एवरीबडी, जीरो डिग्री पे साइन क्या होता है, ओके वेरी गुड, जीरो होता है। 90 डिग्री पे क्या होता है, पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री ना, वन होता है, वेरी गुड। तो अपने को जीरो से लेके 90 डिग्री के बीच में ही चाहिए ना, तो जीरो पे जीरो है मतलब इधर रहेगा, और 90 डिग्री पे वन हो गया मतलब इधर चला जाएगा, तो मतलब ये तुम्हारा कर्व है। अब तुमको इसी के बीच में एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया, अरे समझा क्या? ऐसे तुम ग्राफ चाहो तो पूरा बना लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुमको एरिया जीरो से लेके पाई बाय टू के बीच में ही चाहिए। तुम ऐसे पूरा ग्राफ बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरीबॉडी, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग एंटायर, दे आर आस्किंग जस्ट बिटवीन जीरो टू पाई बाय टू। तो एरिया ऑफ रीजन, ग्राफ नहीं समझा? देखो ऋषिकेश, कोई बात नहीं, देखो ऋषिकेश, साइन का ग्राफ कैसा रहता है, देखो साइन जीरो पे जीरो रहता है, साइन 90 पे वन रहता है, साइन 180 पे कितना रहता है, ट्रिग्नोमेट्री अटेंड करना चाहिए था आपको। फिर यहाँ पे क्या है, 1,0, यहाँ पे क्या है 0,1, हाँ वेरी गुड। तो साइन 180 पे वन रहता है बराबर, तो यहाँ पे 180 ले लो पाई, तो पाई पे क्या है वन है ना, तो उसको ऐसे ही प्लॉट करोगे ना पॉइंट को, समझे कि नहीं समझे? पाई पे अगर वन आंसर आ रहा है तो दोनों को इधर ही मीट कराओगे ना, जैसे 180 पे क्या आ रहा है, 180 पे जीरो आ रहा है तो इधर मीट करेगा, फिर उसके बाद 270 पे किधर आ रहा है, 3π/2 पे, 3π/2 पे इधर आ जाएगा 0, -1 मतलब -1 हो जाएगा, ये जीरो होता है, साइन पाई पे जीरो होता है, जिसने भी माइनस वन लिखा हो रॉन्ग है, साइन पाई पे जीरो होता है और पाई बाय टू पे क्या होता है माइनस वन, तो पाई बाय टू किधर है, 3π/2 इधर आगे रहेगा ना, उस पर माइनस वन होता है। अब मैं सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ू कुछ इस तरह से मुझे ग्राफ मिलेगा ना, फिर 2π पे क्या होता है, 2π, साइन 2π पे जीरो हो जाता है, ये साइन का ग्राफ है, इतना समझा? ये समझा गया ऋषिकेश? नहीं समझा तो बिंदास नो बोलो, कोई जरूरी नहीं, आप एक बार ही पूछो, दो बार, तीन बार, चार बार भी पूछो, ऐसा कोई आपको यहाँ पे कुछ बोलने वाले वाला नहीं है, कोई बोलेगा तो मैं उसको पूछूंगा भाई क्या आता है उसको। ओके, बी वेरी फ्रैंक एवरीवन, ये मेरा मैथ्स क्लास है, इसमें आपको थोड़ा तो क्या नहीं समझा आप बताओ ना एग्जैक्ट। यहाँ पे जीरो आ रहा है, 90 पे मेरे को वन आ रहा है, 90 पे वन आ रहा है, आप ग्राफ का प्लॉटिंग किए हो ना, पाई पे इधर पाया जीरो आ रहा है, फिर 270 पे माइनस वन आ रहा है, यहाँ पे 270 वहां पे माइनस वन आ रहा है, तो माइनस वन इधर रहता है प्लस वन इधर रहता है। अब बस इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो मेरे को ऐसा ग्राफ मिल जा रहा है। हाय जैद, आप लेट आए क्या, समझे कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़े, अब उसको कहां से कहां के बीच में एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए उसको, जीरो से लेके 90 के बीच का एरिया चाहिए। तो बस हम लोग एरिया ऑफ रीजन बिटवीन, एरिया ऑफ रीजन बिटवीन कर्व वाई इक्वल टू साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस, जो लोग का मेरे को एक्सप्लेन करते वक्त हो जाया करे वो लोग टेक्स्ट बुक से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया करो, जीरो से लेके पाई बाय टू, वाई कितना है, वाई है साइन एक्स dx, sin x का आंसर क्या आ जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, 0 से लेके पाई बाय 2, अब माइनस बाहर आ जाएगा, लिमिट्स डाल दो, दैट्स राइट hj, तो cos पाई बाय 2 हो जाएगा, ये cos 0 हो जाएगा, hj बोलना कितना डिफिकल्ट है, आपका कुछ और नाम होगा,
कॉस पाई बाय टू से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और कॉस जीरो कितना हो जाता है, माइनस वन हो जाता है. तो जीरो माइनस वन कितना होता है, माइनस वन, और उसमें माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा. जीरो माइनस वन होता है माइनस वन, माइनस में माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन हो जाएगा स्क्वायर यूनिट. ओके हिमानी, वेरी गुड. सो एवरीबडी इज दिस क्लियर, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? किसको नहीं समझ आ रहा है, कौन एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस कर रहा है, प्लीज चैट बॉक्स में पूछ लो ना यार, मैं रिक्वेस्ट तो कर रहा हूँ अभी, और क्या करूँ, हाथ जोड़ लू. चैट बॉक्स में पूछो ना, आई विल रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. आई मीन व्हाट शुड आई एक्सप्लेन मोर इन दिस, दिस इज सच अ बेसिक क्वेश्चन. इफ एनीबडी हैज नॉट अंडरस्टूड प्लीज आस्क इन द चैट बॉक्स. यू माइट नॉट अंडरस्टूड समथिंग, समथिंग वेरी बेसिक माइट बी, तो मुझे कैसे समझेगा. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मैंने लिखा, माइनस कॉस एक्स लिखा, माइनस बाहर चला गया, अब अपर लिमिट डाला और फिर उसके बाद लोअर लिमिट डाला. अपर लिमिट कितना था, कॉस पाई बाय टू था, लोअर लिमिट कितना था, जीरो था. कॉस पाई बाय टू जीरो हो गया, कॉस नाइन जीरो वन हो गया. जीरो माइनस वन माइनस वन होता है, और बाहर एक ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया. समझा? अभी कोई तो है जो खेल कर रहा है इधर, मैं जाके चैट बॉक्स में देख सकता हूँ कौन ऐसा कर रहा है, और मेरे को ब्लॉक करने का भी इधर आता है सिस्टम, बार बार एक्सप्लेन उसको प्रेस कर रहा है, जाके मैं देख सकता हूँ, एक ऑप्शन पीछे जाना पड़ता है बस, और कुछ नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एवरीवन. जाने दो सर. चलो स्टार्ट करते हैं भाई, पढ़ाने दो यार ईमानदारी से, अच्छे से. जितना हैप्पी मोड में पढ़ाऊंगा उतना अच्छा पढ़ाऊंगा, याद रखो. चलो स्टार्ट करते हैं. y square equal to 16x और x equal to 0 और x equal to 4, ठीक है. y square equal to 16x अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है. फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन x एक्सिस, एरिया ऑफ रीजन, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एरिया ऑफ रीजन बिटवीन x एक्सिस, y square equal to 16x एंड x equal to 0 एंड x equal to 4. चलो y square equal to 6x. अब आप लोग को 11th में पैराबोला पढ़ाया गया रहेगा, मैं एक बार थोड़ा सा इसको सॉल्व कराने से पहले रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है. तो चार टाइप के पैराबोला होते हैं, एक तो राइट हैंडेड पैराबोला होता है, ये क्या होता है, y square equal to 4ax होता है. फिर एक बार ये अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है. ऐसे जैसे ये राइट हैंडेड पैराबोला है, वैसे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला भी होता है, पहले मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ. ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है. अच्छा मेरे को बताओ, ये कौन सी एक्सिस को दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, इसको कौन सा एक्सिस इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, एक्स एक्सिस. अच्छा ये एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड में ओपन हो रहा है, और ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में ओपन हो रहा है. तो क्योंकि ये नेगेटिव साइड में ओपन हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस फोर ए एक्स, समझ में आ रहा है, और वाई स्क्वायर यहां पर, क्योंकि नेगेटिव साइड में ओपन हो रहा है तो माइनस लिखा. ऐसा हिंट दिमाग में याद रखो, ऐसा सच्चाई नहीं है ऐसा कुछ भी, मतलब है सच्चाई भी एक तरह से, पर ये कोई ऐसे ट्रिक समझ लो इसको, ऐसा इसके पीछे कोई लॉजिक इतना मत लगाना. फिर उसके बाद एक अपवर्ड पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला वाई एक्सिस ओपन कर रहा है, इसको वाई एक्सिस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर बी वाई आ जाएगा, और भी पॉजिटिव साइड में, और यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा. अगर ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा तो इसको भी वाई एक्सिस ही दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. रिपीट कर दूं ये, हिमानी देखो आप, ये पैराबोला को कौन सा एक्सिस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस. तो जो एक्सिस दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है वही आपको यहां पे लिख देना है, फोर बी वाई करके, समझिए आप. तब आपको यहां पे एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा. अगर मान लो यही चीज ऐसे डाउनवर्ड में हो गई, तो कौन सा एक्सिस इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कौन सा एक्सिस इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस. तो यहां पे लेकिन नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड है, तो माइनस फोर बी वाई आएगा, और यहां पे एक्स स्क्वायर है. क्या नाम है इसने, अभी किसने पूछा सर फोर कैसे आया या बी कैसे आया, ना ये सब डेरिवेशन का पार्ट है. इसमें फोकस रहता है ना, फोकस वो ए कॉमा जीरो रहता है, फोकस यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स रहता है एक्स इक्वल टू ए. तो वो सब डेरिवेशन मैंने 11th के लेक्चर में सिखाया हुआ है, आप जाके एलिप्स अभी चल रहा है वहां पे जाके एलिप्स पैराबोला पढ़ाया है, वहां पे मैंने इसका डेरिवेशन सिखाया कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आता कैसे. 11th की क्लास ज्वाइन करके आप उसमें देख सकते हो प्लेबैक में,
दो लेक्चर पहले सिखाया था मैंने ये, इसका डेरिवेशन अगर किसी को सीखना है तो 11th में सिखाया है मैंने, पूरा डिराइव करके दिखाया कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x आया ही कैसे आखिर, समझा? ओके, तो अब आप लोग मुझे बताओ, चलो भाई आ जाओ, कम बैक। y स्क्वायर इक्वल टू 16x जो है ये कौन सा पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला है कि लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है कि अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड? देख के बताओ, ध्यान से, कोई गाई नहीं है। हाँ करेक्ट, एजे करेक्ट, ऋषिकेश करेक्ट, आदिल करेक्ट, वेरी गुड। हाँ आदिल करेक्ट, जैद करेक्ट, फर्स्ट वाला डायग्राम और राइट हैंडेड जिसको बोल सकते हैं। तो बस, तो फिर डायग्राम क्लियर है, तो फिर आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे y स्क्वायर इक्वल टू 16x कर दोगे ड्रॉ, ठीक है? और x इक्वल टू 0 मतलब कौन होता है, कौन बताएगा? x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है? y एक्सिस का, बराबर। तो ये आपका x इक्वल टू 0 वाला लाइन है, और x इक्वल टू 4 किधर आएगा? इधर 0 है, इधर कहीं पे 1, इधर कहीं पे 2, इधर कहीं पे 3, तो 4 यहीं कहीं पे आ जाएगा। ये पैराबोला सिर्फ इधर तक नहीं जाएगा, सिर्फ बहुत दूर तक जाएगा ये, तो इसका ऐसा लिमिट नहीं है कि इतने पे रुक जाएगा, ये ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे बहुत बड़ा सर इन्फिनिटी जितना बड़ा, समझा क्या सबको? तो ऐसा मत सोचना कि ये लाइन सर इधर ड्रॉ करूं कि इधर ड्रॉ करूं कि इधर, अरे वो पैराबोला ऐसा जाएगा, ऐसा। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना, मतलब लाइन वो पैराबोला के अंदर ही आने वाला है। 11th में अभी दो लेक्चर पहले देख लो, मैंने पैराबोला एक्सप्लेन किया हुआ है, दो लेक्चर मतलब आज से दो दिन पहले, उसमें पैराबोला टॉपिक में जाओगे ना आप, देख सकते हो वहां पे पैराबोला का फर्स्ट लेक्चर देखना, उधर आपको इसका पूरा डेरिवेशन सिखाया मैंने, आधे घंटे लगते हैं उसको सिखाने में। अच्छा, तो ये x इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है? तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड x एक्सिस। अच्छा गांव वालों, मेरे को एक बात बताओ, क्या ये रीजन नहीं है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड x एक्सिस? जैद बोलो, हम लोग करेंगे वो सब, उसके लिए अभी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बचा के रखे। क्या ये भी तो है? ऊपर नीचे दोनों तरफ है ना? हाँ आदिल, इतना इनफ है, यही तो इनफ है। वो उधर वो लेक्चर देखने को अगर आपको शौक है तो जाओ, सीखने का शौक है अगर, बाकी ऐसा कोई फालतू शौक नहीं पालते हो तो चलेगा। ओके तो सुनो, अब तुम इसको ट्वाइस कर दोगे, जो भी तुमको, तुम क्या करोगे एवरीवन सुनो, ये वाला एरिया फाइंड कर सकते हो, दोनों एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, एक एरिया फाइंड करो और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ये समझा ना? तो बस इनफ है। तो आप क्या करोगे, एक एरिया फाइंड करोगे एवरीबॉडी, ऊपर वाला एरिया निकालो, एरिया ऑफ रीजन बिटवीन पैराबोला एंड एक्स एक्सिस, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 4, ये भी लिखना है तो लिख दो। अच्छा वाई, अब यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू वाई डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस आया तो वाई डी एक्स, यहां पे 0 से लेके, अपने पास y स्क्वायर है वो भाइयों, अपने पास y स्क्वायर है तो y क्या होगा, 4x हो जाएगा, रूट एक्स, 4√x, सुन रहे हो? y स्क्वायर है अपने पास, लेकिन मुझे यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए y चाहिए। अगर ये बात समझ में आई तो अंडरस्टूड बटन प्रेस कर देना। सर आई एम म्यूट बिकॉज, ओके नो प्रॉब्लम। 0 टू 4 y क्या है, 4√x dx, ये स्टेप समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो सब लोग। ये मैंने रूट जो लिया वाला स्टेप, जिसको नहीं समझा नो लिख देना बिंदास, जरा भी हेजिटेट नहीं करना, ये नहीं सोचना कि मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि चलो इसको एक्सप्लेन करना है मुझे, बस इतना ही सोचूंगा मैं, मेरे काम से मतलब रखूंगा। 0 to 4 रूट एक्स को मैं लिख सकता हूं एक्स रेज टू 1/2 डी एक्स, x raised to 1/2 is x raised to 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1, ये कितना हो जाएगा, एक में आधा जोड़ा तो 3/2 हो जाता ना, 3/2 upon 3/2, ये जो मेरा 2 है वो चला जाएगा ऊपर। अच्छा लिमिट भी लिखना,
जीरो टू फोर, जीरो टू फोर, ये टू जो है ऊपर चला जाएगा, एट हो जाएगा, एट बाई थ्री हो जाएगा, दैट्स राइट मानी, एट बाई थ्री यहां पे आ जाएगा, एक्स रेज टू थ्री बाई टू, जीरो टू फोर। अब हम लोग इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, फोर रेज टू थ्री बाई टू माइनस जीरो रेज टू थ्री बाई टू। व्हाट इज फोर रेज टू थ्री बाई टू एवरीबडी? अब इसको आप कैसे समझोगे, फोर रेज टू थ्री बाई टू मतलब स्क्वायर रूट ऑफ फोर और उसपे क्यूब, क्योंकि डिनोमिनेटर में टू रहने का मतलब रूट होता है वो, तो टू है तो स्क्वायर रूट, रेज टू थ्री तो स्क्वायर रूट ऑफ फोर क्या होता है, टू होता है, और उसपे क्यूब क्या होता है, एट होता है। तो दैट्स राइट एच जे आई मीन हिमानी, और यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो फिर एट बाई थ्री इंटू एट 64 हो जाएगा। लेकिन लेकिन एक बात याद है आप लोगों को, एक बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो बात कितने लोग को याद है? हाँ क्या बात है, हिमानी को याद है, बाकी लोग को भी याद है। ओके ट्वाइस करना, दैट्स राइट फॉर अस। सो फॉर एंटायर एंटायर पैराबोला एरिया विल बी, अच्छा यहाँ पे आई नहीं लिखने की जगह पे ए भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग एक्चुअली तो एरिया फाइंड कर रहे हैं। एरिया विल बी 64 अपॉन 3 इनटू 2, दैट इज 128 अपॉन 3। स्क्वायर यूनिट लिख देना, स्क्वायर यूनिट एग्जाम में भी लिख देना ऐसे ही। ये समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, नहीं समझ में आया तो एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस करो, या इधर चैट बॉक्स में पूछ लो आके, चैट बॉक्स में पूछोगे तो ज्यादा प्रेफरेबल है। मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। पैराबोला का नाम ऐसा क्या, ये मैंने कसम से नहीं सोचा था। चलो एवरीबॉडी लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड ना, गिव मी जस्ट 10 सेकेंड्स। ओ भाई मेरा पेज क्यों नहीं लोड हो रहा है, चलो डन। Shall we move to next question? चलो अभी हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। एवरीबडी फाइंड द एरिया ऑफ इंक्लूडेड बिटवीन फर्स्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स एंड लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये, वाई इक्वल टू टू एक्स। अभी आपको जस्ट पढ़ा के आया मैं कि जो पैराबोला राइट हैंडेड रहेगा उसका इक्वेशन क्या रहेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स टाइप रहेगा, तो क्या ये वैसा ही दिख रहा है क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स टाइप दिख रहा है क्या आप लोग को? नहीं दिख रहा है तो बोलो, नहीं दिख रहा है तो बोल दो सर नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ऐसा बोल दो, कोई बुरा नहीं मानेगा। इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं, जैर वो लास्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए इसलिए वो इंटीग्रेशन का ज्यादा फॉर्मूला नहीं यूज होगा, सिंपल सिंपल वाला ही यूज होगा। अभी दिखा आदिल, आदिल इज इट विजिबल नाउ? ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द पैराबोला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज नॉट दैट मच इजी, हाँ ये पिछले वाले जैसा इजी नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, बोलना मतलब सर ये तो इजी नहीं लग रहा, मैं खुद ही कह रहा हूँ ये इजी नहीं है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत इजी है, बस सब लोग शांति से पेन ऑन रख दो, एकदम ध्यान से पहले मेरी बात को सुनो, नहीं वैसा कुछ नहीं है इसमें, सबने पेन रख दिया और मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो। ये मेरा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स है, वन बाय वन मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है। वाई इक्वल टू टू एक्स वाली जो, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स था पैराबोला, जो वाई इक्वल टू टू एक्स वाली लाइन है वो कहां से पास होगी, y इक्वल टू टू एक्स वाली लाइन, ये y इक्वल टू टू एक्स लाइन है वो कहां से पास होगा, सेंटर मत बोलो भाई, सेंटर नहीं बोलते उसको, ओरिजिन बोलते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देवेश, ओरिजिन बोलते हैं। y इक्वल टू टू एक्स कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा,
तो ये आपकी लाइन y इक्वल टू 2x हो गई. फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इंक्लूडेड बिटवीन दिस एंड दिस. तो आप मेरे को बताओ कौन सा एरिया फाइंड करना है. ये तुम्हारा लाइन है y इक्वल टू 2x, ये तुम्हारा लाइन है y इक्वल टू 2x, और ये तुम्हारा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 2x. कौन सा वाला? लाइन के ऊपर पैराबोला के नीचे, मतलब ये वाला एरिया. एरिया ऑफ रीजन बिटवीन, बिटवीन का मतलब मालूम है ना, बीच का. ये एरिया, ये मैंने, ये समझ में आया तो एक बार यस लिख दो, या तो नो लिख दो, या तो अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो. ओके ऋषिकेश, क्या दिया मैंने लोगों ने ऋषिकेश? पैराबोला, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इंक्लूडेड बिटवीन दिया ना, ये दिख रहा है आपको बिटवीन वर्ड. तो पैराबोला और लाइन के बिटवीन का एरिया, यानी कि बीच का एरिया, तो यही है ना उनके बीच का एरिया. अरे समझा क्या? पहले वो लाइन ना देके वो लोग एक्स एक्सिस देते थे, तो मैं इधर तक आता था शेडिंग करते हुए, पर इसने लाइन दे दिया वाई इक्वल टू टू एक्स, तो मैं क्या करूं? ओरिजिन से क्यों पास हुआ, इस चीज का एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया था. देखो y इक्वल टू 2x वाली जो लाइन होती है, यानी कि y इक्वल टू mx, जो भी लाइन में प्लस c नहीं रहता, जो भी लाइन में y इक्वल टू mx प्लस c नहीं रहता, प्लस c नहीं रहता, वो लाइन ओरिजिन से पास होती है. याद आ रहा क्या y इक्वल टू mx? मिस्टर आदिल, ओके. तो इसलिए ये y इक्वल टू 2x प्लस 2 होता ना, तो ओरिजिन से नहीं पास करता, कहीं और से ही करता, पर वो वहां पे प्लस 2 नहीं है, वहां पे सिर्फ y इक्वल टू 2x प्लस 0 है, समझ लो. तो इसलिए वो 0 से पास हुआ. अभी मेरी बात समझ में आ रही तो यस बोल दो, नहीं समझ में आई तो नो बोल दो यार, कोई ऐसी बात नहीं है. मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा कि तुम मेरे को एक्सप्लेन करने के बाद भी नो बोल रहे हो. मेरे को पता है, मेरे को खुद ही एक बार में ये सब नहीं समझता था, तो मैं तुमसे क्यों बोलूं कि तेरे को क्यों नहीं समझा. बहुत स्ट्रगल से पढ़ाई किया भाई, और एक तो उसमें भी ये डर लगा रहता था कि डाउट पूछूं कि नहीं पूछूं, ये जो डर था वो तो एक अलग ही लेवल पे था. इसलिए मैं आप लोगों को जितना हो सके उतना कंफर्टेबल करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो चीज मैं फेस किया हूं मैं नहीं चाहता आप लोग करो. मुझे बहुत डर लगता था डाउट पूछने में, ऐसे बैठा रहता था गधे जैसा, डाउट ही नहीं पूछता था. पता है कि नहीं समझ में आया है, कोई समझाएगा भी नहीं, जाके घर पे बहुत स्ट्रगल होने वाला है, लेकिन पूछता नहीं था, ये बोलता ही नहीं था कि एक बार और एक्सप्लेन करो. क्या मालूम ये क्या मेरे को था, क्यों था, ऐसा मेरे को पता नहीं. मुझे लगता है कि लोग उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, मतलब डाउट ये पूछने के लिए ना थोड़ा डेयरिंग चाहिए रहती है, और ऊपर से ना मतलब मेरे को लगता है ना टीचर को पहले कंफर्ट बनाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए पूछो डाउट, पूछो, आस्क आस्क आस्क, आई विल नॉट से एनीथिंग. मुझे ऐसा लगता है ऐसा बोलने से फर्क पड़ता है, पता नहीं पड़ता है कि नहीं, पर मैं फिर भी बार बार इसलिए बोलता रहता हूँ, इसलिए मैं 100 बार बोलते रहता हूँ लेक्चर में, यस लिखो, नो लिखो, अंडरस्टूड बटन प्रेस करो. ये क्योंकि मेरे को ये चीज से बहुत तकलीफ हुई है, ये सब इंटीग्रेशन है ना, ये सब बहुत बड़े बड़े टीचर लोग से पढ़ाऊ, ये सब बहुत बड़े बड़े टीचर से पढ़ाऊ, लेकिन ना मेरे को फिर भी समझा ही नहीं है. और ऐसा नहीं कि एकदम मंद बुद्धि था, नहीं समझ में आता, कुछ एक छोटी सी बात नहीं समझ में आती थी. जैसे अभी किसी को ये नहीं समझा होगा कि सर आपने इस पैराबोला और इस लाइन के अंदर का ही रीजन क्यों लिया, आपने ये वाला रीजन क्यों नहीं लिया. जैसे मान लो किसी को ये बात नहीं समझी होगी, तो देखो आप लोग ने मुझसे पूछा कि सर आपने आपने ये पैराबोला और ये लाइन के बीच का ही रीजन क्यों लिया, तो मैंने उसको दोबारा एक्सप्लेन कराया कि यहाँ पे देखो बिटवीन लिखा है उसने, मतलब उसको पैराबोला और लाइन के बीच का ही रीजन चाहिए, इधर 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 का रीजन नहीं चाहिए, ये उनके बीच का रीजन नहीं है, राइट. तो वो लेवल ऑफ कंफर्ट आप लोग, अगर मैं तो कोशिश करता हूँ कि आप लोग मैं डेवलप कर सकूं, पर आपको भी तो समझना होगा कि सर कंफर्ट लेवल ला रहे हैं. ओके अभी भी हैं वैसे ही लोग हैं, पता है. It's not about teacher also. I mean, I don't know how it is. Chalo, let us move forward. Chalo, let us start. Achha, suno everybody.
अब हमको क्या करना है, हमको हमको जो सुनो मेरी बात सुनो सब लोग, हमको जो फॉर्मूला दिया था वो तो एरिया ऑफ रीजन बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस दिया था, यस और नो? एरिया ऑफ रीजन बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस दिया या तो वाई एक्सिस दिया, यहां तो एक्स एक्सिस की कोई बात ही नहीं हुई है, यहां पे तो एक्स एक्सिस से कोई कनेक्शन ही मेरे को नहीं बैठ रहा है। तो मैं क्या करूंगा मालूम है, मेरे को लिमिट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कहां से कहां तक का एरिया है, ये लिमिट्स पता है क्या किसी को? यहां तो लिमिट चलो पता है, यहां पे तो 0.0 से शुरू हुआ ये तो पता है, इधर का कोऑर्डिनेट क्या है? तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ एवरीबॉडी, क्या ये पैराबोला और ये लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए हैं? इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं। पैराबोला और लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए बी पे, तो बी का कोऑर्डिनेट तुम लोग निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ ए वो तो डायरेक्ट दिख रहा है ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। जब आपको पता है आपने 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, जब भी दो चीजें आपस में इंटरसेक्ट होती है तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? सपोज ये एक लाइन है 3x + 2y = 4 और ये 2x + 5y + 3 = 0 है। अगर ये दोनों का मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो इसको मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर सकता हूं या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, यस और नो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज होगा या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा, ये तो 11th में सीखे हो, 10th में भी सीखे हो, जो एक्स और वाई मिलता था अपने को इसको सॉल्व करके वो क्या रहता था, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो रहता है। तो अगर आपको इस कर्व और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना पड़ेगा क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए दोनों का पावर सेम होना चाहिए, मतलब जो वेरिएबल है ना उस पे दोनों का पावर 1 होना चाहिए था या तो दोनों का पावर 2 होना चाहिए था, यहाँ पे एक का पावर 2 है और एक का पावर 1 है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे बेस्ट है। तो मेरे को कोऑर्डिनेट ऑफ बी चाहिए, क्या दिया, y² = 2x and y = 2x। मैं क्या करने वाला मालूम है, ये जो y है ना सब्स्टिट्यूट करूंगा उसमें, 2x को सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग, नहीं समझेगा तो बता देना, y = 2x in y² = 2x। तो जहां पे y दिख रहा है ना उधर मैं ये 2x लिखने जा रहा हूं, 2x = 2x। अब जैसे कर रहा हूं वैसे करना, दुनिया भर का दिमाग मत लगाना, सुनो पहले शांति से। तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x। इस बंदे को मैं इधर ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, 4x² - अब कुछ लोग बहुत स्मार्ट गिरी करेंगे, xx काट देंगे, ऐसा कट नहीं करने का, तुम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो कभी भी कट मत करना। इस क्या मिला मुझे, मुझे मिला 4x² - 2x = 0। एवरीबडी इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? दैट्स राइट हिमानी, दैट्स राइट जैद, 2 कॉमन आ सकता है और साथ में x भी कॉमन आ सकता है, ऋषिकेश और आदिल और जैद, हाँ दैट्स राइट मैरिड, 2 और x दोनों कॉमन आ सकता है। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2x और इधर बचेगा -1। ओ भाई क्या बचेगा, -1 बचेगा, 2x चला गया, कहाँ चला गया, ब्रैकेट के बाहर खड़ा है, देखो मिलेगा तुमको उधर। तो 2x (2x - 1), अब जैसे अपने पास ऐसा रहता है a (b) = 0, तो उसको मैं लिख सकता हूँ a = 0 और b = 0, तो वैसे ये 2x (2x - 1) = 0, तो इसको मैं लिखूंगा 2x = 0 और 2x - 1 = 0। तो 2x = 0 तो 2 0 के नीचे चला जाएगा, x = 0 मिल जाएगा और यहाँ पे x = क्या मिल जाएगा, 1 इधर गया, -1 का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, divided by 2। That's right, आदिल सुरेंद्र जैद, करेक्ट आंसर। ये समझा गया भाई, एक बार अंडरस्टूड बटन प्रेस करो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। मेरे को x की 2 वैल्यू मिली, अच्छा कोई मेरे को बताएगा x की 2 वैल्यू काय को मिल रही है, ऐसा क्या हमारी जिंदगी में अच्छा हुआ जो x की 2 वैल्यू मिल रही है, एक मांगा 2 मिला, ऐसा तो बहुत रेयर होता ना। हाँ क्या बात है, ये लड़की ने क्या आंसर दिया, एच जे हैज गिवन द राइट आंसर, बिकॉज दिस कर्व इज इंटरसेक्टिंग ए 2 पॉइंट एवरीबडी, तो 2 कोऑर्डिनेट नहीं मिलने चाहिए, एक x की वैल्यू 0 मिली है और एक 1/2 मिला है। चलो y की भी चाहिए तो निकाल लो, नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा क्योंकि मेरे को x एक्सिस का ही कोऑर्डिनेट चाहिए था। y क्या हो जाएगा, अगर x 0 है तो इधर 2x में डाल दो इसको, 2 × 0 भी हो जाएगा, तो y = 0, मतलब तुम्हारा जो एक कोऑर्डिनेट था ना ओरिजिन पे a नाम का 0.0 जिसको तुमने पहले ही लिख दिया था वो भी मिल गया और x = 1/2, तो y = क्या हो जाएगा, 2x है ना,
टू इंटू वन बाई टू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वन। तो तुमको कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या मिला, एक्स का वैल्यू हाफ मिला, वाई का वैल्यू वन मिला, समझा। अब यहां से इसको ऐसे प्लॉट कर लो, एक्स एक्सिस पे कहां पे वन बाई टू। अब सुनो सब लोग, अब इसको एरिया कैसे निकालेंगे, अब यहां पे बहुत दिमाग लगाना है, यहीं पे अब दिमाग लगाना है, अभी तक सब सिंपल था। डायग्राम यहां से फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। जेड एट 8:30 का टाइम है ना बायो का, उसका अभी नोटिफिकेशन आता है 10 मिनट पहले, स्टार्ट अभी नहीं होगा, 10 मिनट पहले स्टार्ट होगा तो फिर ये तो गलत होगा। ओके, अब तुम क्या करोगे एवरीवन, आप लोगों को ये वाला एरिया चाहिए। मुझे एक बात बताओ, सब लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर मैं एरिया अंडर कर्व एंड एक्स एक्सिस फाइंड करना, मेरा तो फॉर्मूला एरिया अंडर कर्व एंड एक्स एक्सिस होता है, तो एरिया अंडर कर्व वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर, एरिया अंडर कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड x एक्सिस अगर मैं निकाल रहा हूं तो मेरे को ये पूरा येलो वाला रीजन आ जाएगा, है कि नहीं, कर्व और x एक्सिस मतलब ये पूरा येलो वाला रीजन आ जाएगा, हाँ या ना। लेकिन मेरे को ये रीजन चाहिए क्या, ये वाला रीजन चाहिए क्या, ये वाला रीजन चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग नाम की चीज सबके पास है, बस उसको लगाता हर कोई नहीं है। सुनो 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 मेरे दोस्तों, दिमाग नाम की चीज सबके पास है, उसको लगाता हर कोई नहीं है। अगर तुम इस पैराबोला के अंडर का एरिया और ये लो, मतलब तुमको अभी एरिया जो चाहिए ना उसको लिख दो, एरिया अंडर पैराबोला, एरिया अंडर पैराबोला मतलब ये पूरा आ जाएगा, एरिया अंडर पैराबोला एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, एरिया अंडर पैराबोला एंड एक्स एक्सिस में सब कुछ आ गया, ठीक है। माइनस कर दूं अगर मैं इसमें से एरिया अंडर लाइन, एरिया अंडर लाइन वाई इक्वल टू टू एक्स एंड एक्स एक्सिस, मतलब ये पूरे एरिया में से, इस पूरे एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया अगर माइनस कर दूं, तो तुम बताओ, बोलो बोलो, अब कोई नहीं बोलेगा। ये देखो ये वाला एरिया माइनस कर दिया मैंने, तुम बताओ जो मेरे को मेरा शेडेड एरिया वो नहीं मिल रहा है, देखो इसको व्हाइट कलर कर दिया मैंने, फिर से पुराने जैसा कर दिया, अभी दिखा, ये समझा क्या सबको मैं क्या बता रहा हूं, समझा क्या। अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, मतलब आपको समझ में आया क्या, पैराबोला के अंदर से, डायग्राम खराब कहां हुआ यार, इतना मस्त दिख रहा है, व्हाइट कलर का पेंट कर दिया है एकदम, ये समझ में आया क्या सबको। देखो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, अब इतना सब मत बोलो, डायग्राम खराब होने दो, समझा सबको, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ये क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है यार अचानक से, इतना काम के टाइम पे। एरिया अंडर पैराबोला एंड एक्स एक्सिस माइनस एरिया अंडर लाइन वाई इक्वल टू टू एक्स, समझ में आया एवरीबॉडी, अभी दिख रहा है क्या, अभी दिख रहा होगा। तो तुम्हारा ये वाला जो एरिया है एवरीवन, ये माइनस हो जाएगा और फिर तुमको क्या मिलेगा, सिर्फ ये वाला एरिया मिलेगा, क्लियर। अब दिखा ऋषिकेश, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहां पे कहां से कहां तक, जीरो से लेके हाफ, एरिया अंडर पैराबोला एंड एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई डी एक्स होता है, फिर उसके बाद एरिया अंडर लाइन एंड एक्स एक्सिस क्या होता है, वो भी वाई डी एक्स होगा, ठीक है, दोनों का y का वैल्यू जो भी है अकॉर्डिंगली, पैराबोला का क्या था इक्वेशन, पैराबोला का था y स्क्वायर इक्वल टू 2x था और लाइन का क्या था, y इक्वल टू 2x था, तो अकॉर्डिंगली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहां पे y की जगह पे क्या आएगा, 2x आएगा, है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 2x ही था ना, क्या था, हाँ, लेकिन ये y स्क्वायर इक्वल टू 2x था तो यहां पे रूट 2x आ जाएगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू 2x था ना, लिमिट मेरे को जो यहां पे आया ना, क्या नाम है, यहां पे 1 आया ना लिमिट, x की वैल्यू क्या आई थी, हाफ आई थी, x की वैल्यू क्या आई थी अपने को, हाफ आई थी ना,
और y की वैल्यू 1, तो x एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है, हाफ आ रही है, तो वो आपका लिमिट हो जाएगा। समझे आप हिमानी? और रूट क्यों आया, क्योंकि यहां पे y है ना, लेकिन मेरे को इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 2x दिया, ये तो क्वेश्चन पहले भी आपको पूछना चाहिए था। फिर ये देखो इधर y स्क्वायर इक्वल टू 2x दिया था, जब इधर पीछे पैराबोला में, इधर पीछे वाले पैराबोला में y स्क्वायर इक्वल टू 16x दिया था, लेकिन मेरे को फॉर्मूले में y था, तो मैंने यहां पे भी तो रूट लिया था। ये देखो इधर पिछले सम में, ऋषिकेश y स्क्वायर इक्वल टू 16x है, पर फॉर्मूला तो y dx है ना, तो वैसे इधर भी y dx है और पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 2x दिया है, तो ऑब्वियसली y को तुमको रूट करना ही पड़ेगा ना, y इक्वल टू रूट एक्स हो जाएगा। इधर y इक्वल टू क्या दिया था, लाइन का इक्वेशन 2x ही दिया, उधर रूट नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया एवरीवन? मुझे पता नहीं आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं, पता नहीं यार, सच्ची बोल रहा हूँ, और आप लोग ईमानदारी से बता नहीं रहे हो, वो ज्यादा मेरे को दुख हो रहा है। ओके, रूट टू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, रूट टू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, जीरो से लेके हाफ रूट एक्स डीएक्स, यहां पे टू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, एक्स डीएक्स, जीरो से लेके हाफ। सबको सच में समझ में आया क्या? एक बार अंडरस्टूड बटन प्रेस करो ना, क्योंकि बीच में कोई एक्सप्लेन मोर का भी बटन प्रेस कर रहा था। इसको इंटीग्रेट कर दें, रूट टू है यहाँ पे, एक्स रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 3/2, और यहाँ पे भी 3/2, लिमिट डाल दो जीरो से लेके हाफ, यहाँ पे एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट डाल दो जीरो से लेके हाफ, टू टू कट, ये टू ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, टू रूट टू अपॉन 3, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेस टू 3/2 रेस टू हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर रेस टू हाफ। अब लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे, अभी आया जेड, तो यहाँ पे अपर लिमिट डाल दो हाफ रेस टू 3/2 माइनस, लोअर लिमिट क्या है, जीरो माइनस जीरो, फिर उसके बाद माइनस हाफ स्क्वायर माइनस जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे टू रूट टू बाई 3, 1/2 पे रेस टू 3/2, मतलब कितना हो जाएगा, देखो 1/2 पे रेस टू 3/2, इधर एक्सप्लेन करता हूँ सब लोग देखो, 1/2 पे अगर पावर 3/2 है तो इसका मतलब क्या होगा, रूट टू रेस टू 3 हो जाएगा, हाँ या ना, ये जो डिनोमिनेटर में 2 है मतलब वो रूट बनता है ना, यस और नो? अब 1/√2 पे पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 1/√2 1/√2, अच्छा 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये वाला रूट टू अकेला रह जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। समझा क्या, 1/2 रेस टू 3/2 था तो डिनोमिनेटर में पावर 2 था इसलिए मैंने उसको रूट में लिखा, और पावर 3 था उसको मैंने 3 बार लिखा क्योंकि पावर 3 था। अब 1/√2 1/√2 क्या हो गया, 1/2 हो गया, और ये वाला 1/√2 एज इट इज। चलो आई थिंक ये समझा होगा, तो 1/2 रेस टू 3/2 डायरेक्ट मैं इधर लिख रहा हूँ, 2√2 लिख रहा हूँ, अच्छा 1/2 का इधर स्क्वायर है, अब ये माइनस जीरो का कोई मतलब नहीं है, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है। ओके एवरीवन, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया एवरीबडी? इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये 2√2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2√2 को कैंसिल कर सकते हैं, 1/3 बचेगा और यहाँ पे 1/4 बचेगा, क्यों नहीं कैंसिल कर सकते एच जे, ये इसका ही है ना 2√2 और इसका ही है ना ये ब्रैकेट का, अरे इसको माइनस करके ये आया मेरे पास, बाहर 2√2 है, कहाँ माइनस के साथ है, ये अलग है, ये अलग है, इस 2√2 का इससे क्या लेना देना, समझी? ये जो 2/√2 है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रैकेट का है, उसका इस ब्रैकेट से कोई लेना देना नहीं है। अभी दिखा, अब ये 2√2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1/4 बचेगा, ये 4 इधर चला जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, 4
माइनस थ्री अपॉन ट्वेल्व, फोर माइनस थ्री कितना होता है, फोर माइनस थ्री कितना होता है, वन अपॉन ट्वेल्व स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया हो जाएगा। क्या बोलते हो, समझ में आया? चलो एवरीबडी, इज दिस क्लियर? ओके, लेट इट बी एवरीवन। ऑलराइट, आदिल तेरे को ये मैसेज डालना जरूरी था, जैद कुछ ज्यादा ही बोल रहे चलो ठीक है एवरीबडी, हाउ वाज द सेशन, जस्ट टेल मी, वाज अमेजिंग। ऑलराइट, ओके, ठीक है एवरीवन, इसके क्वेश्चंस और आप लोग ट्राई करो, सॉल्व एग्जांपल्स पहले ट्राई करो और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस उसको भी ट्राई करो। कल चाहिए तो एक क्वेश्चन मैं और इस पे सॉल्व करवाता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा दूंगा ना, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक आप लोग होमवर्क लोगे क्या, एक क्वेश्चन होमवर्क लोगे? ओके, चलो फटाफट एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो। क्या क्वेश्चन है ये, थर्ड वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, थर्ड का थर्ड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखा तो कंफ्यूज मत होना, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू y है, समझा? लेकिन आपके पेपर बुक में कैसे लिखा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा, दोनों एक ही चीज है। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y एंड लाइन y इक्वल टू 4x, इसके बीच में आपको फाइंड करना है। ऑलराइट, चलो दिस इज योर होमवर्क, एरिया बिटवीन दिस टू। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मतलब अपवर्ड पैराबोला और y इक्वल ये वाला, ये मैं डायग्राम थोड़ा सा गलत बनाया, ये ऐसा, चलो बना रहा हूं तो अच्छे से बना देता हूं, ऐसा, और इधर एकदम बीचों बीच, मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना तुमको। तो यहां पे ऐसे ट्राइंगल x एक्सिस पे प्लॉट करना ओरिजिन से, आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। चलो एवरीबडी, आई विल बी ending this session, see you all tomorrow everyone, bye, take care, please rate the session as a great session, that is very very important for my motivation, everybody, thank you so much and welcome everyone, bye.